संविधान को भी धत्ता बताया है, जेल के अपराधियों को बाहर निकाल करके, जेल के अपराधियों को बाहर निकाल करके। ये 90 दशक में जंगल राज से जो कायम था बिहार, फिर बिहार उसी जंगल राज के तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जी ने धकेलने का काम किया। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में अब विवाद बढ़ चुका है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल जनक चमार, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जंगल राज की बात याद दिलाई है और कहा है कि फिर से वही समय आ रहा है जहां ना तो अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, ना छात्र अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। पूरा बयान सुनवाते हैं कैसे वो स्पष्ट कर रहे हैं और साफ साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता इस बार तख्ता पलट की तैयारी में है और जल्द ही आने वाले समय में बिहार में जो चुनाव होगा उसमें तख्ता पलट हो जाएगा। सुनवाते हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता जनक चमार के बयान को। एक व्यक्ति की बात नहीं है, जिस तरह से 27 लिस्ट में जो नाम आया है उसमें सब के सब दुर्दांत अपराधी है और संविधान के दायरे में रख करके जिस तरह न्यायपालिका ने इन अपराधियों को जेल के सलाखों में बंद करके सुशासन की गवर्नमेंट स्थापित करने का प्रयास किया था, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संविधान को भी धत्ता बताया है और सत्ता के धौंस में जिस तरह से कानून में शिथिलता करके जेल के अपराधियों को बाहर निकाल करके 90 के दशक में जिस तरह बिहार के लोग दहशत में जी रहे थे, फिर दहशत में जीने के लिए मजबूर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। एक व्यक्ति का बात नहीं, ये 90 दशक में जंगल राज से जो कायम था बिहार, फिर बिहार उसी जंगल राज के तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जी ने धकेलने का काम किया और आने वाले दिनों में बाहर के जो आईएसओ में बिहार के प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो भी स्वतंत्र रूप से अब काम करने में कहीं ना कहीं अब बाधाएं आएगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। काम करने का परिणाम यही होता है कि अच्छे अफसर को हत्या कर दी जाएगी, जो अपराधी हत्या करेगा वो जेल में जाएगा और जेल में जाने वाले लोगों को बिहार के मुख्यमंत्री सलाखों से बाहर कर देंगे। तो न जनता सुरक्षित है, न प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षित है, न नेता सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है। अब स्वतंत्र रूप से पत्रकार भी सवाल जवाब नहीं कर पाएगी, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जान की खतरा है। स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी, जो कभी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में वो अधिवक्ता हो, किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, सर्व समाज के लोग हो, जिस तरह से तख्ता पलट किया था, फिर बिहार में तेरह करोड़ जनता तख्ता पलट करने के लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले दिनों में जनता जवाब दे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।